नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। झांसी जिला की मऊरानीपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत गड़वा में ग्राम प्रधान अनिल कुमार पटेल जी द्वारा समस्त ग्रामीण जनों की मूलभूत समस्याओं को लेकर पंचायत में अभी तक किए गए समस्त कार्य शासन प्रशासन की मंशा अनुसार किए जा रहे हैं। वह गौ सेवा को प्राथमिकता देते हुए पंचायत में गौशाला की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। वह ग्राम प्रधान जी स्वयं गौशाला में जाकर वहां की देखरेख व खान पान में सहयोग देते हैं। वहीं ग्रामीण जनों का कहना है कि ग्राम प्रधान जी बिना जाति भेदभाव के समस्त पात्रता की श्रेणी में आने वाले लाभार्थियों को सभी सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करवाते हैं। वह ग्राम प्रधान ने समस्त क्षेत्रवासियों व ग्रामवासियों को आगामी नव वर्ष की शुभकामना संदेश दिया है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस की स्पेशल रिपोर्ट। उपलब्धि नहीं थी और अब कहा जाता था चुनाव में ये संपर्क मार्ग हम डलवाएंगे, लेकिन जैसे बीजेपी काम करती है तो मुद्दे खत्म कर देती है। जैसे राम मंदिर मुद्दा खत्म कर दिया, कश्मीर मुद्दा हल कर दिया, उसी तरीके से मेरा प्लान है कि कोई मुद्दा होना नहीं चाहिए, मुद्दा होगा उसको काम हो जाना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे संपर्क के मार्ग हमने डलवाए हैं, वो भी 30-30 फुट चौड़े जी, 20-20 फुट चौड़े मानक संपर्क मानक अनुरूप डलवाए गए हैं, जिससे सर्दियों में और आदमी अपने खेत पर वाहनों से पहुंच जाता है, ज़्यादा समस्या नहीं होती जी। बिल्कुल, और हमारा एक और उद्देश्य है जी कि जैसे बुजुर्ग हैं जो 60 साल से जो जितने भी लोग हैं जी पात्र व्यक्ति जी, उनकी हर एक की जी पेंशन बनवाने का कार्य किया है हमने। अभी तक लगभग वृद्धा विधवा विकलांग पेंशन मिला के 150 पेंशन बनवा दी है। गरीब व्यक्ति और जो वृद्ध हैं जो 200 रुपए के लिए परेशान रहते थे, उनके भरण पोषण के लिए पेंशन के लिए पेंशन के तौर पर सरकार की मंशा है कि हर व्यक्ति तक पेंशन की योजना पहुंचनी चाहिए। तो मैंने बनवाने का कार्य किया और उनको यहाँ से झांसी तक जाने का भी कार्य नहीं, यहीं से हम ही ने सारे कागज एकत्रित करके निःशुल्क पेंशन बनवाने का कार्य किया है जी। बिल्कुल, जैसा कि मेरे बीच थे यहाँ से ग्राम प्रधान के रूप में मिस्टर अनिल कुमार पटेल जी, मैं बात करूंगी जिस प्रकार से मैंने पूर्व में कुछ लोगों से भी वार्ता की और जो उन्होंने बताया कि इस पंचायत में वो एक ऐसे ग्राम प्रधान हैं जो बिना जाति भेदभाव को देखते हुए सभी शासकीय योजनाओं से समस्त पात्रता की श्रेणी में आने वाले लोगों को लाभ देते हैं। वहीं बात करूं यहां से गौशाला प्रबंधन के बारे में, तो जो इसके पूर्व में जिस प्रकार का कार्यकाल रहता था ग्राम प्रधानी का, कहीं ना कहीं खुद के लिए किया जाता था, समाज के तौर पर कोई भी कार्य धरातल पर संचालित नहीं किए जा रहे थे। उन्हीं मुद्दों को लेकर के ग्राम प्रधान जी इस चुनावी माहौल में आए और कहीं ना कहीं उन्होंने किसानों की जो समस्या थी अन्ना जानवरों की, उसको प्राथमिकता दी और पद पर आते ही तुरंत गौशाला प्रबंधन को समुचित रूप से वहां की खान पान की व्यवस्थाएं की और समस्त गायों को गौशाला में संरक्षित किया, जिससे कि किसानों को इससे बहुत ही संतुष्टि है व फसल में भी बचाव रखा जा सकता है। और साथ ही साथ सर आपसे जानना चाहूँगा, आपके इस कार्यकाल में आवास योजना को देखा जाए तो लगभग काफ़ी लोगों को लाभ मिला है, और साथ ही साथ जो मैंने अदर पंचायतों का सर्वे किया है, मैं आपकी इस पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, कि मैंने देखा है कि जातिवाद का मुद्दा बनाया जाता है, एक भेदभाव को लेते हुए जो दलित वर्ग है गरीब तबका है उसका कहीं ना कहीं शोषण होता है, तो इस जातिवाद के बारे में आपका पर्सनली क्या विचार है? जातिवाद कोई न तो उसका कोई धर्म है, बिल्कुल है, और जातिवाद पर कोई राजनीति नहीं कभी करनी चाहिए। हमारी तो यही सोच यही रहती है यदि किसी व्यक्ति ने गलत किया है, चाहे वो बड़े समाज का हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो या कोई ठाकुर समाज का हो, यदि गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। कई ऐसे मुद्दे हैं गाँव के, कई बार ऐसा झगड़ा हुआ गाँव में, गरीब तबके के व्यक्ति को अन्य बरादरी के समाज को जबरदस्ती मार पीटा दबाया जी। मैंने बिना सोच के कि हमारी जाति का है उसके साथ जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ लग के और मैंने उस गरीब को जैसे कई एग्जांपल हैं, चाहे वो किसी का झगड़ा हो मतलब किसी भी प्रकार की विवादित जिसकी गलती है उसी को सजा मिलनी चाहिए, उसी के साथ मैं हमेशा रहता हूँ, गलती करने वाले के साथ बिल्कुल साथ नहीं देता, निष्पक्ष तौर पर न्याय किया जाता है। और वह साथ ही साथ जो आप बात कर रहे थे कि जो वृक्षारोपण जो गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है कि प्रति वर्ष 1000-2000-2500 पेड़ ऐसे टारगेट रखे जाते हैं,
तो क्या आपका सुझाव क्या होगा? हमारा हाँ, इस बारे में हम ये सुझाव देना चाहते हैं, क्योंकि सुझाव ही दे सकते हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल, बाकी सरकार का जो निर्णय है वो हम लोगों को मानना पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हमारा जी मानना है कि 1000 पेड़ दिए ग्राम पंचायत में लगाने के लिए टारगेट दिया जाता है जी, तो हम लगाते हैं, लेकिन उनमें 1000 तो लगवाएं, लेकिन 100 पेड़ ऐसे लगवाएं जिनके टीघाट और पानी की व्यवस्था करने का भी इंतजाम किया जाए, जिससे 100 पेड़ तो हमेशा जिंदा हर साल हो ही जाए जी। इससे कहीं बजट का भी बचाव होगा, बजट का बचाव होगा और पेड़ भी दिखाई देंगे तो अच्छे लगे। जैसे हम जब भी हम लोग पेड़ लगाते हैं तो टीघाट के साथ ही लगाते हैं। हमारे प्रदीप, हमारे बड़े भाई आए हैं प्रदीप पटेल सर जी, जिला महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो जब भी वो आते हैं बरसात में भले ही 5 पेड़ लगाएं, लेकिन टी गार्ड के साथ ही लगाते हैं और ताकि वो सुरक्षित बने, सुरक्षित रहें और पानी की देखरेख भी करवाते हैं। कम से कम यदि 5 पेड़ एक व्यक्ति लगा रहा है, यदि उसमें से 3 ही जिंदा रहे, तो इसी तरीके से यदि हर आदमी एक पेड़ का यदि संकल्प ले ले कि टी गार्ड के साथ लगाएं, तो हरा भरा अपना गाँव बना रहेगा जी जी। और कुछ आपने ऐसे मुद्दे भी बताए थे जिनको लेकर आप मांग करना चाहते थे कि यदि इन कार्यों के प्रति बजट प्राप्ति होती है तो निश्चित तौर पर इस पंचायत को आदर्श पंचायत की श्रेणी में लाया जा सकता है, ऐसे कौन से बिंदु हैं जिनको लेकर आप मांग करना चाहते हैं? एक तो सबसे प्रथम बिंदु हम ये मानते हैं कि सरकार का भी ये मानना है और लोगों का भी मानना है कि गाँव का विकास तब हुआ तब गाँव की सड़क शहर की सड़क से बिल्कुल तभी हुआ ना, बिल्कुल। तो एक जीव मुद्दा हमारा है और विचार हमारा व्यक्तिगत के संपर्क मार्ग जी, खेत से लेके गांव तक संपर्क मार्ग होना चाहिए, और वो भी WBM गट्टी मुरम का, कि बरसात में खेत पर आदमी दिक्कत ना, आने जाने में दिक्कत ना हो और किसान